क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको। और क्रिएट का क्या रिजल्ट रहता है ऑनलाइन पैसा कमाने का, हाउ टू अर्न ऑनलाइन। तो हम हाउ टू अर्न ऑनलाइन पैसा कमाएंगे, कैसे किस तरह से पैसा कमाएंगे, कैसे कमाएंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। और इसमें हम ट्रेडिंग करके हम पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन, और यहाँ हमारे वॉटेक्स का प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पैसा कुछ है 7,847 रुपया है ना। और दोस्तों ये डेमो अकाउंट है, आपको बता दूं, है ना। तो चलिए हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं धीरे धीरे करके हम दिखाएंगे। अभी देखिए ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है ट्रेड, मतलब मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे हम कुछ रजिस्टर वगैरह खींचे थे, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये रजिस्टेंस पे आ चुका है, रेजिस्टेंस पे अभी ये आ गया है। और यहाँ पे देखिए कैंडल का मतलब बिहेवियर बहुत ही गंदा हो गया है, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे की लेवल को छू लिया, लेकिन ये रेजिस्टेंस 550 के ऊपर अगर जाएगा तो एक डाउन का मैं ट्रेड लूंगा। ऊपर अगर जाएगा, ऊपर इसके ऊपर अगर जाता है तो एक डाउन का ट्रेड भी लूंगा, अगर उसके ऊपर नहीं जाता है तो मैं डाउन का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ही हमको अच्छा हुआ है। क्या चल रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। लाइन लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन दो ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा काट देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गया, रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पे खींच दिया मैं। और यहाँ पे 900 लेवल का अच्छा, ये अभी एक ट्रेड अच्छा अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, तो मैं तो आपके लिए ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, मैं आपको बता दूँ, ये लॉस भी होगा तो मैं लॉजिक बताता हूँ। आप देखिए एक तो ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में, ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। और क्या हो रहा है देखिए, जैसे भी रेड बन रहा है उसके बाद जैसे ही ग्रीन बन रहा है, और एक ग्रीन जरूर बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। देखिए देखिए अभी तक एक भी फेल नहीं हुआ, सिर्फ पैटर्न बन रहा है। तो उसी हिसाब से मेरे को क्या दिखा, रेजिस्टेंस जो ऊपर है, ऊपर रेजिस्टेंस है। और राउंड नंबर था जो ये रखा, राउंड नंबर 900 का राउंड नंबर था, इसमें गैप भी था, गैप बचा था। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, इसीलिए मैं एक अपर डायरेक्ट का ट्रेड लिया। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रेड विन हो चुका है, अच्छी मार्जिन में, मतलब देखिए देखिए ये 386 का हमारा विन हो गया है। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं हमारा यहाँ, ठीक है। अभी देखिए अभी ये 900 से देखिए फिर से नीचे आ रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे इन्वर्टेड रामल बोल सकते हैं हम। अभी देखिए क्या हो रहा है, लेकिन रमेश राउंड नंबर को ट्राई ही नहीं कर पा रहा है, इतना बार ट्राई किया है और बहुत ज़्यादा बहुत ही स्पीड यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। इतना ज़्यादा जल्दी से सेलर यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं, तो मैं ये 900 के ऊपर मेरे को और एक बार मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा डाउन के लिए एक बार, और टाइम के अंदर ही अगर मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पे शायद ही मिलेगा, देखिए 35-34 नहीं मिला दोस्तों। ये ट्रेड छोड़ के ये भी अच्छा ट्रेड था डाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है, इसमें भी अभी डाउन का मोमेंट लग चुका है। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी डाउन का मोमेंट लग चुका है,
किया तो यहाँ पे एक ग्रीन बनने का, ये हायर लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक ग्रीन बनने का भी चांस है, ग्रीन भी बन सकता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक ग्रीन भी बन सकता है, देखिए क्या होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी नहीं है, एक सपोर्ट अगर मिल जाता तो ये 100 का नीचे अगर मिलेगा तो मैं एक कॉल कर दूंगा, ये 100 के नीचे देखिए टाइम के अंदर नहीं मिला, टाइम चला गया तो टाइम चला गया अभी और नहीं हो पाएगा। देखिए बता रहा था तो चलिए देखते क्या होता है, अभी तक तो कुछ मतलब सिक्योरिटी है नहीं कि क्या हो सकता है। लेकिन जितना बड़ा रेड कैंडल आया उतना बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी आ रहा है। नहीं अभी एक यहाँ पे एक रेड लिया हूँ दोस्तों और देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये पेन हो गया, अभी एक दिन बन रहा है तो एक मॉन्स्टर के रोके भी पीस बन रहा है, ये छोटा सा पीस कैंडल बन सकता है, छोटा सा। देखिए छोटा सा ही बन गया, अगर छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया तो यहाँ पे सपोर्ट भी है तो मैं यहाँ पे एक फुट के लिए ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और ये ले लिया मैं, बहुत ही अच्छा जगह ट्रेड लगा है दोस्तों, है ना, बहुत ही अच्छा जगह ट्रेड लगा है ये मेरे। ये ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे ट्रेड के नीचे ही लगेगा, मेरे ट्रेड के नीचे ही क्लोज होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्जिन शिफ्ट लिया हूँ और इसके विक के ऊपर ही लिया हूँ, है ना। तो कोशिश तो ये करेगा क्योंकि ये मोमेंटम अभी डाउन का है, लेकिन बड़ा मोमेंटम अप का है और ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं जो पुट का ट्रेड लिया हूँ इसके नीचे भी हो सकता क्लोज होने का चांस है, देखता हूँ क्या होता है। 3-4 मिनट बचा हुआ है और ये दोस्तों लॉस हो गया मेरा, अभी यहाँ पे 2 ट्रेड लगेगा मेरा। और ये देखिए कितना जल्दी डाउन में आया, ये भी लॉस हो सकता है मेरा क्योंकि मैं ट्रेड तो यहाँ पे लेने वाला था लेकिन लग गया यहाँ पे। देखिए क्योंकि मेरा 200 रुपये लॉस हुआ तो मैं 400 रुपये लगाया हूँ, अगर ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा तो मेरा पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेड कैंडल तो होगा, ये 100% है, ये रेड कैंडल ही बनेगा लेकिन छोटा बन सकता है, मेरे मैं जहां पे लगाया हूँ उससे नीचे बन सकता है, ये देखता हूँ क्या होता है। देखिए देखिए वही हो रहा है, देखिए फिर से नीचे आ जाएगा और रेड ही बनेगा शायद। नहीं, अभी मेरा 2 ट्रेड, पहले का एक ट्रेड अभी 2 ट्रेड, मतलब मेरा 600 रुपया कुछ लॉस हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी मेरा 600 रुपये लॉस हो गया है, अभी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, 2 लॉस हो गया, तो चलो फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।